शिक्षिका हूँ गीता वर्मा मैम। मैं आप लोगों को आज हिंदी पढ़ाऊंगी और हिंदी के बारे में आप लोगों को बुक से सब कुछ समझाऊंगी क्या क्या पढ़ना है। यहाँ देखिए, जैसे मेरे बारे में जाने, मेरे बारे में जाने, मेरे रोबोट, जैसे मेरा नाम है यहाँ लिखना, तो यहाँ अपना नाम लिखना है। अब जैसे सबका नाम अलग अलग होता है, अपना अपना नाम अलग अलग होता है, तो जैसे हम उदाहरण के लिए यहाँ लिख रहे हैं अनिल। फिर यहाँ देखना है बेटा कि अपना नाम लिखें, तो यहाँ हो गया। और यहाँ है अपना चित्र यहाँ चिपकाए, तो यहाँ आप अपना चित्र बनाकर चिपका सकते हैं। यहाँ आपको अपना चित्र लगाना है, अपना चित्र बनाकर चिपकाएं। और यहाँ है मेरे बारे में कुछ बातें, तो जैसे मेरे शिक्षक हैं, तो आपको बहुत सारे शिक्षक हैं, जेंट्स भी हैं, लेडीज भी हैं, तो अगर हम लोग लेडीज का नाम लिखना है जैसे, तो शिक्षिका लिखिएगा। अगर जेंट्स का लिखना है तो शिक्षक लिखिएगा। तो जैसे यहाँ है मेरे शिक्षक, तो जैसे मैं गीता वर्मा मैम हूँ, मैं अपना नाम यहाँ लिख रही हूँ गीता वर्मा मैम, लिख सकते हैं आप। फिर उसके बाद है मेरा जन्मदिन, तो मुझे तो याद नहीं है कि कब कब आप लोग का जन्मदिन होता है बेटा, तो ये तो आप लोगों को अपने से लिखना होगा, अपना अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखें। फिर यहाँ पर है कि बड़ा होकर आप यह मैं बड़ा होकर यह बनना चाहता हूँ। जैसे हर बच्चे की इच्छा होती है, आप लोगों ने सोचा होगा कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या शिक्षक बनेंगे, या बिजनेसमैन बनेंगे, या कुछ भी बनेंगे, तो उसका आपको लिखना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे यहाँ आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो यहाँ आप शिक्षक का नाम लिखेंगे, शिक्षक का मैं बड़ा होकर, ऐसे लिखना होगा आपको पूरा, मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेटा, यहाँ मुझे विद्यालय पसंद है क्योंकि विद्यालय आपको बहुत पसंद है। विद्यालय को आप मिस भी कर रहे हैं कि विद्यालय हम नहीं जा रहे हैं, मेरा खेलना नहीं हो रहा है, पढ़ना नहीं हो रहा है, मैं अपने दोस्तों के साथ बातें नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए यहाँ लिखना है कि आप मुझे विद्यालय पसंद है क्योंकि विद्यालय आपको क्यों पसंद है, यह लिखना है। विद्यालय में मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है। खेलना भी अच्छा लगता है, खेलना भी आपको अधिक पसंद है, आप खेलना अधिक पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए यहाँ आपको अपने दोस्तों का नाम लिखना है। जैसे हम नाम लिख रही हूँ अनिल, सुनील, रवि, मोहन, सोहन, ये सब आपके दोस्तों के नाम हैं। ये मैं लिख रही हूँ, आप अपने दोस्तों का अलग से भी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका कौन कौन सा दोस्त है। फिर यहाँ बेटा है आप मनपसंद रंग। रंग आपको बहुत सा पसंद पड़ता है, रंग में बहुत सारे रंग आते हैं, लाल, पीला, कथई, नीला, हरा, आसमानी, गुलाबी, बहुत सारे रंग है। लेकिन बेटा इसमें आप किस रंग को अधिक पसंद करते हैं उस रंग का नाम लिखना है। हरा, लाल, जैसे मैं दो का नाम लिख लूँ, आपको और इससे ज्यादा दूसरा रंग पसंद है तो उसका भी आप नाम लिख सकते हैं। फिर है मुझे घर पर यह काम करना पसंद है। घर पर आप कौन सा काम करना अधिक पसंद करते हैं? जैसे मम्मी के साथ काम में हाथ बटाना, पढ़ाई करना या खेलना, क्या पसंद करते हैं जो आप घर पर रख के करना चाहते हैं उस काम का नाम लिखना है। घर पर आप अधिक पढ़ना ही चाहते हैं, बैडमिंटन, इतना सारे खेल खेल सकते हैं आप। अब यहाँ है बेटा मनपसंद खाना। खाना तो सबको पसंद है, हर बच्चे अच्छा अच्छा खाना चाहते हैं। अभी आप घर में हैं तो चाहते होंगे कि वो कितना अच्छा से अच्छा खाना खाएं, तो आप अपनी मम्मी को बोलते होंगे कि मुझे खाना बना अच्छा, जो चीज आपको पसंद है उसी से आप नाम बताते हुए। बच्चों आपको आप लोगों को तो अधिक मैगी पसंद है, मैगी की ये मैं लिखी हूँ। ऐसे इस जगह पर आप अपनी मनपसंद खाना का भी नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ मनपसंद जानवर, जानवर को आप लोग को बहुत पसंद है। अब कौन सा जानवर को आप अधिक प्यार करते हैं और अधिक पसंद करते हैं उस जानवर का नाम लिखना है। कुत्ता, डॉग तो सबों को पसंद है, बिल्ली, देखिए यहाँ मनपसंद पुस्तक आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, पढ़ना आप लोगों के लिए सबसे अधिक जरूरी है। तो यहाँ है मनपसंद पुस्तक, आप किस पुस्तक को, किस किताब को मन लगाकर पढ़ते हैं उस किताब का नाम लिखना है यहाँ आप लोगों को। तो यहाँ है देखिए, जैसे आप हिंदी को पसंद करते हैं तो यहाँ लिखिएगा हिंदी, आप गणित को पसंद करते हैं तो यहाँ लिखिएगा गणित। वैसे मैं लिखी हूँ और आपको जो अधिक पसंद है उसका नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप जितने ये सब है सबको आपको पढ़ाना है, पढ़ना है और कॉपी में लिख कर बनाना और याद करना है। ये मैं यहाँ पर बनते जितना लिख ली हुई हूँ, जहाँ जहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको आपको याद करना है और अपने अपने बुक में भर लेना है। और मैं पार्ट 12 पढ़ाने जा रही हूँ। ये आप लोगों को कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चम्मच, बहुत सारे वर्ड है, लेकिन मैं जो बुक में दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है, उसी का से ठंडा, यहाँ से कुछ नहीं बनता, कोई शब्द नहीं बनता है यहाँ से। फिर यहाँ ट से टमाटर, ठ से ठाक, ड से डमरू, ढ से ढाकन, न से भी कोई शब्द नहीं बनता है, न से भी कोई शब्द नहीं बनता है। त से तरबूज, तरबूज तो आप खाना बहुत पसंद करते होगा, इसका चित्र भी दिया हुआ है, आपको अच्छा भी लगता होगा। इसलिए ता से तरबूज, था से थर्मस, दा से दवात, धा से धनुष, ना से नाल, पा से पतंग, फा से फाल, बा से भटक, भा से भालू, म से मछली। यह से यज्ञ, यज्ञ हो रहा है यहाँ पर। रा से रथ, ला से लट्टू, वा से वक। अब मैं आप लोगों को 14 पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ, बुक खोल लीजिएगा प्लीज। बच्चों ध्यान से देखिए कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। फिर सा से सलगम, मुधान सा से साष्टकोण, गान सा से सपेरा, हा से हरिण, था से क्षत्रिय, रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, श्रा से श्रमिक। जो काम करता है उसको श्रमिक बोलते हैं। आगे से और डगी से कोई सेंटेंस नहीं होता है, कोई वर्ड नहीं बनता है। फिर है निम्नलिखित वर्णों में से स्वर पर गोला लगाएं। इसमें बेटा आपका स्वर और व्यंजन दोनों मात्राएं दी हुई हैं। ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है, क्योंकि आपको स्वर भी जानते हैं क्या होता है, व्यंजन क ख ग होता है और स्वर अ आ इ होता है। तो इसमें गोला लगाना है कौन स्वर है और कौन व्यंजन है। निम्नलिखित वर्णों में से स्वर पर गोला लगाना है, सिर्फ स्वर पर गोला लगाना है, व्यंजन में नहीं। सिर्फ स्वर में गोला लगाना है, गोल घेर देना है। स्वर आपका ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये। आपको मैं कहती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ स्वर में ही गोला लगाना है। आप अपने अपने बुक में खोल कर जो बैठे हैं उसमें गोला भी लगा सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित व्यंजनों का सही चित्र के साथ मिलान कीजिए। इसमें मिलाना है, मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ और कितनी बार मिला भी चुके हैं, इसको सबको मिलाना है। तो ग से क्या होता है, गमला, त से तरबूज, म से मछली, सा से सलगम, हा से हाथी, श्रा से श्रमिक, त्रा से त्रिशूल। सभी पर लगा चुके, इसी तरह आपको गोला लगाना है और आपको याद भी करना है कौन स्वाद है, व्यंजन है, और इसमें गोला अच्छा से लगाना है और कॉपी में भी इसको लिखना है, तभी आपको याद हो सकता है। आप देखिए यहाँ पर आपको उतना समझ गए तो मैं बता चुकी हूँ। अब सही अक्षर पर गोला लगाना है। ये क्या चीज का चित्र है, पहले आप चित्र को देखिए। ये खरगोश है तो यहाँ पर ख पर गोला लगा हुआ है। और ये क्या है, घर है, तो यहाँ घर पर गोला लगाएंगे बेटा, ठीक है, ओके। फिर यहाँ जहाज है, जहाज पे गोला लगाएंगे। फिर यहाँ क से कबूतर होता है तो क पर गोला लगाएंगे। फिर यहाँ म से मछली होता है, म पे गोला लगाएंगे। फिर यहाँ और से थर्मस गोला लगाएंगे। ड से डमरू, ड पर गोला लगाएंगे। गोला लगाएंगे, फिर यहाँ बालू भाव पे गोला लगाएंगे, फिर यहाँ है गमला पर गोला लगाएंगे। ये क्या है? चम्मच, चौपर गोला लगाएंगे। यहाँ त्रिशूल है, चौपर गोला लगाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा। एक कबूतर है, एक खरगोश है, सबका चित्र बना हुआ है और जिस नाम से शुरू होता है वहां मैं गोला लगा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।